तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पांच ऐसे फोन के बारे में जो आपको 10,000 के रेंज में मिल जाएगा और तो और वो 5G भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए हम बताते हैं आपको पहला नंबर फोन के बारे में। तो हमारा पहला नंबर फोन जो है उसका नाम है पोको M6 5G। इसकी रैम की बात करते हैं तो इसका रैम है 6GB और इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 9,000। और फोन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैमरा। तो इसका बैक कैमरा है 50 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल, जो इतना कम रेंज में बहुत अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं नंबर टू के तरफ। नंबर टू का जो फोन है उसका नाम है Redmi 13C और इसका रैम है 8GB। अब बात करते हैं इसकी कैमरा की। तो इसका बैक कैमरा है 50 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा है 7 मेगापिक्सल। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर थ्री के तरफ। नंबर थ्री पे जो हमारा फोन आता है उसका नाम है Itel P55 5G और इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 8,000 और इसकी रैम की बात करें तो इसका रैम है 6GB। इसका बैक कैमरा की बात करें तो इसका बैक कैमरा है 50+5 मेगापिक्सल और इसकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल। नंबर पांच वाला फोन देख कर जाना क्योंकि उस फोन के टक्कर में कोई फोन है ही नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर फोर की तरफ। नंबर फोर का जो फोन है उसका नाम है Itel P44 5G। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए। अब बात करते हैं इसकी रैम की। तो इसका रैम है 8GB और सबसे मेन चीज बात करते हैं कैमरा की। तो कैमरा है इसका बैक कैमरा है 50 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल। नंबर पांच वाला फोन जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो नंबर फाइव का जो फोन है उसका नाम है Itel S23 5G। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 7,199 रुपया। अब बात करते हैं इसकी रैम की। तो इसका रैम है 16GB। अब बात करते हैं इसकी कैमरा की। तो इसका कैमरा है 80 मेगापिक्सल का बैक और इसका फ्रंट का कैमरा है 10 मेगापिक्सल। अगर इन सब फोन के बारे में और डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को और डिटेल दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।